फ्रेंड्स, आज बिगनर हमें तैर के दिखाएगा। और जो बिगनर तैर के दिखा रहा है, एक्चुअल में उसको ये नहीं पता कि वो चश्मा हर बार उल्टा ही लगाता है। जो भी बिगनर तैर रहा है वो हमेशा चश्मा उल्टा लगाता है। नोज पिन लगानी नहीं चाहिए इसको। और अब ये चश्मा सीधा कर रहा है, शायद सीधा चश्मा भी उल्टा करके लगा रहा है। सीधा है। खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चल ऐसे ऐसे तैर के दिखा, ऐसे इधर से उधर। तो क्या फ्रेंड्स, आप भी बिगनर की तरह तैरते हो? ये तैरना नहीं होता, ये चलना होता है। ये अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा है इस वेले। और इसको तैरना नहीं कहते, इसको कहते हैं अंडर वाटर स्विमिंग। तैरना तो बाहर है। फ्रेंड्स, कमेंट आ रहे थे कि लेग्स ऊपर आ जाती है। लेग्स ऊपर आती है क्योंकि आप जो लेग्स मूवमेंट है वो आपकी लूज रहती है अंडर वाटर में जाने के लिए। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सीख जाओगे। तो बिगिनर्स, ये कंटिन्यू इसको आता कुछ नहीं है, बस ये सीन है कि ये रेगुलर पानी में आता है तो पानी में इसका कॉन्फिडेंस है, और कुछ नहीं है। ठीक है, और बिगनर ऐसे हाथ मारते हैं। ठीक है, बाकी खास इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अगर आप पानी में आते हो, स्विमिंग नहीं भी सीखते, पानी में रेगुलर आते हो, तो धीरे धीरे आपका पानी का जो डर होता है, वो होविया कहते हैं जिसको, वो निकल जाता है। उसके बाद आप आसानी से स्विमिंग जल्दी सीख जाते हो। पता है आपको, सिर्फ पानी में आना ही है, आपको कुछ नहीं करना। तो ये देखो, इसे नोज़ पिन लगा रखी है। आगे आने वाले टाइम पे इसको नोज़ पिन से दिक्कत होया करेगी, क्योंकि हमेशा नोज़ पिन के साथ तो ये अंदर पानी में बढ़ नहीं सकता। फिर ये नाक पकड़ के पानी के अंदर जाया करेगा हमेशा। अगर नोज़ पिन ना लगाता तो शायद अब तक इसको ब्रीथिंग आ जाती। तो समस्या क्या थी, कमेंट आ रहा था कि भाई मैं जब अंडर वाटर करता हूँ मेरी लेग्स मूवमेंट ऊपर जाती। भाई, प्रैक्टिस करने के बाद आपकी ये चीज़ जाएगी, अदरवाइज़ मैं बता भी दूंगा तो ऐसे नहीं जाएगी। तो सबसे मेन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है वो आपकी प्रैक्टिस से दूर होगी। और बाकी ये रहता है कि अगर आपको स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती और आपको कोई सिखा नहीं रहा, आप सीख नहीं रहे, तो आप सिर्फ स्विमिंग पूल एंजॉय कर लो। एक महीना लगातार आओ स्विमिंग पूल में, चाहे आके खड़े होके चले जाओ, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। कॉन्फिडेंस जब बढ़ गया ना, उसके बाद जब आप स्विमिंग सीखनी होगी तो आप बहुत जल्दी स्विमिंग सीख जाओगे। रीज़न क्या है कि पानी का जो सबसे मेन प्रॉब्लम, समस्या क्रिएट होती है, वो होती है आपको डर से। जो पानी में सबसे ज़्यादा डर लगता है कि जब पानी में जाते हैं डूबना जाऊँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है जब आप रेगुलर पानी में आते हो। अब जैसे वो तैर रहा है, अंडर वाटर कर रहा है, पर सीन क्या है, वो रेगुलर आ रहा है। ठीक है ना, रेगुलर मस्ती करके ही जा रहा है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है पानी के लिए। कई होता है कि पानी में बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब सपोज करो आपको डर लगता है, आप पहले दिन आए डर रहे, दूसरे दिन आए डर रहे, तीसरे दिन आए डर रहे, चौथे दिन आपका डर कम हो जाएगा, पानी में दिन और कम हो जाएगा, छःवें सातवें दिन धीरे 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 जैसे जैसे डर कम होगा, वैसे ही अगर आप हल्की सी स्विमिंग वीडियो देख ली तो आप यहाँ आकर डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना, अगर आप वीडियो देख के डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं तो मे भी आपको थोड़ा लगेगा, पर हाँ, एक महीने में आपको स्विमिंग आ जाएगी, चाहे जितना मर्जी डरपोक हो आप। ठीक है, तो स्विमिंग में आके मेन है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, आज की वीडियो थी जो दिखाया मैंने आपको, उसने कुछ नहीं सीखा, वो बस पानी में आके ऐसे हाथ को तो मारता है, उसको अलग ही तैरना नहीं आता। जैसा भी है, थोड़ा बहुत तैरना आ जाता है पानी में जब आप आ जाते हो। जूनियर का आपको क्लासे लेनी है, स्पेशल स्विमिंग करनी है, आपको अपने बचने जितनी स्विमिंग आ जाएगी। पर हाँ, इसको इतनी ही स्विमिंग आती है कि ये 4 फुट में ही कर सकता है। अगर ये 8 फुट में चला जाएगा तो इसकी सांस फूल जाएगी। और जो स्विमिंग जरूरी नहीं है, जिसको स्विमिंग आती है वो ही डूबता है, वो नहीं डूबता। अगर उसका स्टेमिना नहीं है वो भी डूब जाए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो बड़ा स्विमर है, जितना मर्जी तगड़ा स्विमर है, जब सांस फूल जाती है ना तो बंदा डूब जाता है। तो सबसे पहले मेन टिप्स यही रहती है कि माइंड को कूल रखना है, शांत रखना है पानी के अंदर। अगर पानी के अंदर आपका माइंड शांत है ना, तो आपके चांसेस कम है डूबने के। अगर पानी के अंदर आप नर्वस हो रहे हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा डूबने के। ठीक है, तो बस आज की यही टिप्स है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और बड़ी सिंपल सी छोटी सी वीडियो थी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बिगनर, चाहे स्विमिंग आती है चाहे नहीं आती, पानी में आओ रेगुलर, तो आपको अपने आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप वीडियो देख के सीख सकते हो। ऐसे वीडियो देख के ज़्यादा आसान रहता है सीखने के, एक्चुअल में बताने में ये हो जाता है कि जो भी है वो आपको करके दिखा के बता रहा है तो भी बेटर है। नहीं तो आप करते हुए किसी को भी देखो और उसके पॉइंट आप नोट कर लो, फिर भी आपके पॉइंट दूर नहीं हो रहे, तो आप अपनी एक वीडियो बनाओ, फिर जो कोई वीडियो देख रहे हो उसके साथ मिला के देखो कि वो कैसे कर रहा है और आप कैसे कर रहे हो, और वो दूर कैसे हुआ, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करोगे एकदम ओके। तो बस आज के इतने, आपके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना।